Bollywood actor Tushar Kapoor started his career with the 2001 romantic film Mujhe Kuch Kehna Hai, later deviated towards purely comedy films like Golmaal and Kya Cool Hai Hum. Tushar says that his next film, Char Din Ki Chandni, is a combination of both and has a universal appeal. मैंने अपने करियर की शुरुआत ही रोमांटिक फिल्मों से की थी, फिर कॉमेडी की तरफ मतलब अपना रास्ता शुरू किया, लेकिन ये अब मतलब दोनों का एक मिक्सचर आप समझ सकते हैं, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म नहीं है, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, इट्स अ रोम कॉम एंड बहुत ही इंडियन फिल्म है, बहुत ही मतलब फैमिली ओरिएंटेड फिल्म भी है, मतलब यूनिवर्सल है, मासेस के लिए, क्लासेस के लिए, यंगस्टर्स के लिए, फैमिलीज के लिए, तो इसकी ऑडियंस बेस बहुत बड़ी है. और ये जॉनर हालांकि मतलब कि बहुत टाइम के बाद इस जॉनर के साथ आ रहा हूँ मैं, लेकिन ये मेरे लिए इतना नया भी नहीं है क्योंकि करियर की शुरुआत भी रोमांटिक फिल्मों से की थी और फिर कॉमेडी भी किया है. तो ऐसे टाइप का कैरेक्टर प्ले करने के लिए मेरी मतलब इच्छा बहुत समय से थी जो अब समीर कार्तिक ने पूरी की है. Last seen in The Dirty Picture, Tushar has legit reasons as to why people should watch Char Din Ki Chandni. I think मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप मतलब अपनी फैमिली को लेकर होली के अवसर पर किसी फिल्म को देखना चाहते हैं जो पूरी फैमिली देख सके, इंजॉय कर सके, और आई थिंक डर्टी पिक्चर के बाद अगर कोई एक ऐसी फिल्म होगी जिसका मंत्र होगा एंटरटेनमेंट 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 एंड एंटरटेनमेंट, तो वो होगी चार दिन की चांदनी. One has to wait and watch if the film is able to garner the same success as The Dirty Picture. Directed by Sameer Karnik, the film has Kulraj Rundhawa of Yamla Pagla Deewana fame opposite Tushar. It will hit theaters March 9. लेकिन डांस तुम जितेंद्र जितना अच्छा नहीं कर सकते. ओए करके दिखाऊं. चांदनी ओ मेरी.